हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल, इट्स एजे एजे व्लॉग। तो आज बात होने वाली है GT 650 की। आपके सामने ये है बाइक, एंड इस बाइक की बात होगी कि क्यों लेना चाहिए आपको। मैं 5 पॉइंट्स बताऊंगा एंड उस पर आप लोग को पता चल जाए कि ये बाइक क्यों लेनी चाहिए, पैसा वसूल है। तो चलिए बात कीजिए। चल क्यों तो देखिए, आप जो जिस बजट में ये बाइक मिल जाती है 650 cc, 3.5 लाख रुपये के बजट में कोई कंपनी नहीं देती, ना कावासाकी की 650 आपको मिलेगी इस बजट में, ना ही मिलेगी होंडा की 650। तो ये बाइक पहली चीज़ बजट में बहुत अच्छी है, 3.5 लाख रुपए की बाइक आप लोगों को मिल जाती है जो बजट के लिए अच्छा है। सेकंड पॉइंट पे आते हैं। सेकंड पॉइंट ये है कि जो सीट हाइट है इसकी 805 mm सीट हाइट है, जो काफ़ी ऊंची नहीं है। सेकंड चीज़ ये है कि जो शॉर्ट हाइट वाले हैं उनको बिग सीसी बाइक चाहिए, तो ये बाइक उनके लिए काफ़ी अच्छी है। थर्ड पॉइंट पे आते हैं भाई, देखो फ्यूल टैंक कैपेसिटी 13.7 लीटर का फ्यूल टैंक है, बट जो माइलेज है उसका वो है आपका 25 से 28 का माइलेज देती है, जो 650 सीसी बाइकें नहीं देती हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, जो बहुत ही मेन पॉइंट है। बात यह है कि आप देखो, बाइक ऐसी है 650 सीसी बाइक है, तो सबके दिमाग में आएगा भाई मेंटेनेंस एंड कॉस्टिंग क्या आएगी। तो मेंटेनेंस कॉस्ट इसका बहुत ज़्यादा नहीं होने वाला है, बहुत लो मेंटेनेंस कॉस्ट है। सेकंड चीज़ ये है, इसका प्लस पॉइंट, इनफील्ड की बाइक है, आपको बहुत जगह आउटलेट मिल जाएगा। आप इंडिया में चलाते हो, आउट ऑफ इंडिया जाते हो, या किसी गांव में भी जाते हो ना भाई, तो वहां पे इनफील्ड आप लोग को मिल ही जाता है। तो आप लोग जो घूमने के शौकीन हो, लद्दाख जाते हो या कहीं नैनीताल या मनाली कहीं भी जाते हो, बाइक से घूमने का मज़ा आता है, तो वो इस बाइक से जा सकते हो। एंड इस बाइक से चलाने में, घूमने में कोई भी बजट नहीं आने वाला, आपकी पॉकेट में ज़्यादा पैसा नहीं आने वाला, क्योंकि आप 650 cc बाइक कोई भी लेते हो ना भाई, तो उसका व्हीली आपको 20-25K का मिलता है, 1000 का मिलता है, ट्यूबलेस होता है, जो भी है। तो इसमें ये चीज़ पैसे बचने वाले हैं। इंजन की, तो इंजन आप लोग को 650 cc मिल जाता है, 52 Nm का टॉर्क। लेकिन अब टॉप स्पीड की बात की जाए तो 180+ टॉप स्पीड जाती है। मॉडिफिकेशन की इस बाइक की बात की जाएगी भाई, तो इतने ज़्यादा मॉडिफिकेशन हो सकते हैं इसको। इस बाइक के नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है टॉप स्पीड का, जो इसने टॉप किया था वो किया था 260 km/h का, जो काफ़ी अच्छा है एंड 650 cc के हिसाब से बहुत अच्छा है। आप लोग देख सकते हो, उसका लिंक में मैं डाल दूंगा जो रिकॉर्ड इसने बनाया है। तो इस बाइक के मॉडिफिकेशन बहुत ज़्यादा आते हैं, आप इंजन ट्यूनिंग हो सकती है इसकी, जो 650 cc को बढ़ा सकते हो, वो 800 तक चला जाता है। अपसाइड डाउन फोक्स लगा सकते हो, जो इसमें नहीं आता है। आप देख लोगे इसमें UHD फोक्स नहीं है, तो आप उसमें UHD फोक्स भी लगवा सकते हो, अलॉय व्हील्स भी लगवा सकते हो। बैक सीट में मॉडिफिकेशन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका बैक लग जाता है काउल, एंड यहाँ पे LED लाइट भी लग जाती है। तो एंड मेन चीज़ है एग्जॉस्ट नोट काफ़ी अच्छा होता है, बट आप इसमें लगवा सकते हो। तो जो चीज़ें आपको बाकी किसी बाइक में लगवाने में लगेगा ना भाई, इस बाइक में वो काम हो जाएगा आपका बजट में, तो बहुत ज़्यादा पैसा भी नहीं लगेगा एंड अच्छी मॉडिफिकेशन हो जाएगा। सो गाइस, ये थी GT 650 कॉन्टिनेंटल। तो मैंने आपको 5 पॉइंट्स बताए, छोटी सी वीडियो थी, तो होप आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी हो एंड आप लोग को समझ में आ गया हो कि ये GT 650 क्यों लेनी। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।